आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। रेलवे में नौकरी का झांसा देकर पैसे लूटने वाले व्यक्ति को सेंट्रल रेलवे दक्षता टीम ने पकड़ा रंगे हाथों। दरअसल बीते 12 दिसंबर 2023 को सेंट्रल रेलवे दक्षता टीम को नरसिंह पै नामी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट मिली कि 6 लाख रुपए लेकर 2 महीनों में रेलवे में नौकरी देता है कहकर 1 लाख रुपए मुंबई घाटकोपर स्टेशन पर लाने को कहा है, जहां दक्षता टीम ने उन पैसों में 25,000 रुपए के नोट वाले नंबर लिख लिए और 13 दिसंबर 2023 को स्टेशन के पास अपना जाल बिछाकर नरसिंह पै को रंगे हाथों पकड़ लिया और पूछताछ करने पर नरसिंह पै ने कबूला कि नौकरी का झांसा देकर पैसे आपस में बांट लेते हैं। नरसिंह पै इन पैसों में से कुछ पैसों को बिहार राज्य के एक व्यक्ति को भेजता है और ये लोग पैसे लेकर डुप्लीकेट अपॉइंटमेंट लेटर देकर फुर हो जाते हैं। सेंट्रल रेलवे दक्षता टीम ने नरसिंह पै पर आईपीसी 420/34 के तहत मामला दर्ज करवाया है और साथ ही इसके साथ कौन कौन शामिल है उनकी तलाश में जुटी है।